One of the biggest decisions of today is on the reduction of compliance burden of small taxpayers and also some medium-sized taxpayers. Late fee amnesty-related matters have also been decided upon. So in order to provide relief to the small taxpayers, an amnesty scheme has been recommended for reducing the late fee payable in these cases. So a large number of taxpayers will benefit from it, because our rough assessment is about 89% of the GST paying, or 89% of the GST taxpayers constitute small taxpayers. So taxpayers can now file their pending returns and avail the benefit of this amnesty scheme with reduced late fees. Late fees have also been rationalized so that it's not too high for some and too low, and also the issue of providing a long-term relief. So the rationalized late fee and to the decision to reduce maximum amount of late fee for small taxpayers will come into effect for the future tax periods. So this will provide a long-term relief to smaller taxpayers. श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने आज 44 लोकेशंस पे ये वैक्सीनेशन कैंपस लगाए, जिसको तो इस वक्त आप देख ही रहे हैं। इस वक्त शेर कश्मीर पार्क में हम हैं, यहाँ डायरेक्टोरेट इंफॉर्मेशन में है, बाज़ेबता हैं टीआरसी में, राजबाग में, जवाहर नगर में, हबाकदल में, हर जगह इस वक्त हर किसी लोकेशन पर ये इस वक्त वैक्सीनेशन सेंटर्स लगे। आम लोगों में ये अफवाह फैली थी कि ये ऑक्सीजन नहीं है, ये इनके पास ये वैक्सीनेशन नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो वैक्सीन इस वक्त हो रहा है, ये 18 एज से लेके 44 की एज तक, ये इस वक्त जो इसकी एज में जो आएंगे उनको ये वैक्सीनेशन हो रहा है। उनको चाहे बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के, वो जाके अपने आप को बचाए और ये वैक्सीनेशन करवाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हर घर घर तक पहुँचे। खुसूसन आज जो ये स्टेक होल्डर्स यहाँ हैं, शॉपकीपर्स है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, बाकी ये ट्रांसपोर्टर्स है, लेबर्स है, या यहाँ यहाँ तक कि ये जो जर्नलिस्ट्स है, उनको चाहे उनके लिए हमने ये खुशी आज रियायत रखी है। आज का जो हमारा टारगेट है वो 300 है। अभी तक हमारे पास जो है 40 लोग आ गए हैं, वैक्सीनेट करवाया है जिन्होंने। लोगों का भी अच्छा कोऑपरेशन है, लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर से आते हैं बिकॉज रास्ते में शायद रोकते हैं इनको या कुछ, तो आ रहे हैं, बट लोग अच्छा रिस्पांस है। कितना ज़रूरी समझते हैं? वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास यही एक टूल है जिससे हम जो ट्रांसमिशन का ही साइकिल है पैंडमिक का, उसको हम रोक सकते हैं और हम इस पैंडमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आना चाहिए लोगों को? कुछ लोग डर रहे हैं। लोगों को आना चाहिए बिकॉज कुछ जो है मिस इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड होती हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल। मेरा उनसे ये कहना है कि इस तरह की बातों को वो ध्यान ना दें, बातों पर जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो आपके पास जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको देखना चाहिए आपको, ना कि इन रूमर्स की तरफ जाना चाहिए। Thank you.
अभी भी पॉपुलेशन टू वैक्सीनेशन रेशियो इज़ वेरी लो. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, इट शुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू कम आउट एंड कम टू दीज सेंटर्स. लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है कहाँ पे है. इट्स बेटर हर एक वार्ड म्यूनसिपल वार्ड के हिसाब से आप वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करें. दैट इज़ द ओनली वे वी कैन कम आउट ऑफ दिस लॉकडाउन. हालांकि अभी बेहतरी हुई है पिछले हफ्ते से अभी तक, देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट, अवेलेबिलिटी है, स्मूथली हो रहा है, बट स्टिल द काइंड द अमाउंट ऑफ पीपल वी हैव एंड द नंबर ऑफ वैक्सीन वी हैव, इसमें अभी बहुत गैप है, तो उसको फुलफिल करने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है. दिल्ली में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके. पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे 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 रोज़ केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है. अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है. आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं. जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं. तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का. कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भुखमरी से लोग मर जाएं. तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए. तो सोमवार को सुबह 5 बजे तक ये वाला लॉकडाउन है. आज एलजी साहब की अध्यक्षता में डीडीएमए की मीटिंग हुई, दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की, और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं लॉकडाउन खोलने के लिए. तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि अब धीरे 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 लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया चालू कर रहे हैं. बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से कोरोना काबू में आया है अभी, लेकिन पूरी लड़ाई जीती नहीं है. तो इसीलिए जो अभी तक अपने को फ़ायदा हुआ पिछले 1 महीने के लॉकडाउन का, ऐसा ना हो कि अगर एकदम से खोल देंगे तो उसका नुकसान हो जाए. तो
तो इसीलिए सबका ये मानना है एक्सपर्ट्स का कि इसको धीरे धीरे खोला जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अपने दिल्ली में उत्तर प्रदेश से, बिहार से, आसपास के और राज्यों से दिल्ली आते हैं आजीविका कमाने के लिए, दिहाड़ी के ऊपर काम करते हैं और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के अंदर जीते हैं। ऐसे मजदूर सबसे ज़्यादा अपने को कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में और फैक्ट्रियों में काम करने वाले मिलते हैं। तो आज इन दो चीज़ों को मीटिंग में ये तय किया गया कि इन दो गतिविधियों को सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग रेट्स बना रखे, बिजनेस चल रहा है, बाकी देशों में एक रेट। अमेरिका ने अपना आधा पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दिया, ब्राजील जैसे देश ने 8% 9% वैक्सीनेट कर दिया। वो वैक्सीन कैपिटल नहीं है, हम वैक्सीन कैपिटल हैं, हम वैक्सीन बनाते हैं। और यहां पे मैं आपको कह रहा हूं, ये जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है, मगर ये जो सेकंड वेव है ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। लाखों लोग मरे हैं और जो झूठ बोला जा रहा है, और मैं क्लियरली बता रहा हूं कि जो हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। मैंने और बहुत सारे लोगों ने सरकार को कोरोना की वार्निंग दी, एक बार नहीं, नॉन स्टॉप, एक के बाद एक हमने बात बनाई और सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया। और जैसे आपने वीडियो में देखा, प्रधानमंत्री ने विजय डिक्लेयर कर दी, कोरोना को हरा दिया। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझ आया है। कोरोना सिर्फ एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक इवॉल्विंग, बदलती हुई बीमारी है।
जितना समय आप इसको देंगे, जितनी जगह आप इसको देंगे, उतना खतरनाक ये बनता जाएगा। लॉकडाउन हथियार है, मगर इससे लोगों को कष्ट होता है, दुख होता है, दर्द होता है, तो ये सोल्यूशन नहीं है और ये टेम्पररी सोल्यूशन है। सोशल डिस्टेंसिंग टेम्पररी सोल्यूशन है, मास्क टेम्पररी सोल्यूशन है, वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.